जय हिंद डियर स्टूडेंट, SHM से न्यूमेरिकल है। अ सिंपल पेंडुलम हैज टाइम पीरियड T1। कह रहा है एक सिंपल पेंडुलम है जिसका टाइम पीरियड T1 है। द पॉइंट ऑफ द सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड एक्सीलरेट अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। कह रहा है कि उसका जो पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है इस रिलेशन के अकॉर्डिंग वो अपवर्ड डायरेक्शन में थोड़ा सा एक्सीलरेट कर दिया गया है। K = kt² (1 m/s² वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, और वाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है, द टाइम पीरियड नाउ बिकम्स T2। अब आपको ऑप्शन बताना क्या है, द रेशियो ऑफ T1/T2² और G = इतना। तो जो कह रहा है क्वेश्चन पहले वो करो, कह रहा है कि एक सिंपल पेंडुलम है और इस सिंपल पेंडुलम को यहां पर ऐसे सस्पेंड कर दिया गया और इसका टाइम पीरियड T1 है। इसके लिए फार्मूला लिखे तो T = 2π√L/G हो जाएगा, यही हो जाएगा इसका। करा है, लेकिन अब करना क्या है, T1 = द पॉइंट ऑफ सस्पेंशन इज नाउ मूव्ड अपवर्ड। पॉइंट ऑफ सस्पेंशन ये वाला पॉइंट ऊपर की ओर क्या करते हैं, इस सिचुएशन से ऐसे ऊपर की ओर इस सिचुएशन में हम ले आते हैं। तो यहां पर देखेंगे कुछ पेंडुलम यहां आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर चला जाएगा। करा इसको ऊपर खींच लेते हैं, ऊपर खींच देते हैं, कितना ऊपर लेकर जाते हैं, Y = kt² इस तरीके से ऊपर लेकर जाते हैं। तो भैया अगर ऊपर लेकर जाएंगे ना, तो इस मोशन को समझने के लिए आप क्या देखेंगे, कोई भी चीज ऊपर जाता है तो उसका नेट जो एक्सेलरेशन होता है वो क्या हो जाता है, जी तो नीचे ही लगता है। तो अगर ए ऊपर लग जा रहा है तो समझने के लिए जो इनर्शियल मोशन है उसे समझने के लिए उसका एक्सेलरेशन उल्टा करके ऐड कर देते हैं। यही तो होता है ना। आप एक लिफ्ट में बैठते थे, वो वाला केस पड़ा है कि लिफ्ट जब ऊपर जा रही है ए एक्सीलरेशन से, तो फिर यहां पर इफेक्टिव एक्सीलरेशन G+A हो रहा था। जब हमारा लिफ्ट नीचे आ रहा था ए एक्सीलरेशन से, तो यहां पर इफेक्टिव एक्सीलरेशन कितना हो रहा है, G - A हो रहा है। ये सब केस पढ़ा है ना आपने, ये केस जब डाउनवर्ड डायरेक्शन में, ये अपवर्ड डायरेक्शन में ना, ये सब तो पढ़ा है। तो वही सारा वही यहां पर कॉन्सेप्ट लगेगा। तो ये वाला केस हो गया हमारा G2 और ये वाला केस हो गया हमारा G1, यही वाला हो गया। तो इस केस के लिए हमको G2 यानी कि G+A ये एक्सीलरेशन पता करना होगा। ये एक्सीलरेशन मालूम ही नहीं है, जब ये एक्सीलरेशन नहीं मालूम है तो इसको मालूम करना पड़ेगा। जब मालूम करना पड़ेगा तो कैसे होगा, अच्छा ये इक्वेशन मालूम है, dy/dt कर लें इसका तो कितना हो जाएगा, 2kt हो जाएगा। एक बार और डिफरेंशिएट करें इसका, तो d2y/dt² कर लें तो 2k हो जाएगा, और यही तो मेरा एक्सीलरेशन है 2k, और a = 2 और k की वैल्यू है 1 यहां पर गिवन है देखो। तो a = कितना हो जाएगा, 2 m/s². बस हमको आंसर मिल गया, देखो g2 हमको मिल गया, कितना मिल गया g2, g की वैल्यू कह रहा है 10 ले लेना, आप 10 ले लेते हैं और a की वैल्यू 2 है, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 12 m/s² g2 मिल गया। अब जब हमारा ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन 2 m/s² से ऊपर भागा है, तब का हमें g2 मालूम हो गया है, तो टाइम पीरियड कितना होगा, T2 = 2π√L/G2, यही तो हो जाएगा L/G2। दोनों सिचुएशन में आपने सब कुछ कैलकुलेट कर लिया है। अब आपको करना क्या है, T1/T2 कर दो, T1/T2 कर दो, और T1 की वैल्यू कितनी है, 2π√L/G1, और T2 की वैल्यू है 2π√L/G2। जो कैंसिल हो रहा है भाई उसको कैंसिल कर दो, और L से L कैंसिल हो रहा है, T1/T2 बचेगा और √G2/ क्या हो जाएगा, G1 हो जाएगा। दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो T1² / T2² हो जाएगा और G2/G1 हो जाएगा। G2 की वैल्यू आपने ये 12 कैलकुलेट किया है और G1 की वैल्यू यहां पर गिवन है 10 है अर्थ के सरफेस पर, सॉल्व करेंगे तो 6/5 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका B जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा, क्या आ जाएगा, 6/5।